नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। गौरतलब है कि कई दिनों से चर्चा में रहे फिल्म द केरला स्टोरी अब एक राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। जब से ये मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ है तब से लेकर अभी तक मूवी लगातार विवादों में घिरी हुई है। ये एक राज्य का मुद्दा नहीं बल्कि अब तक कई राज्यों में इस मूवी को बैन तक कर दिया गया है, तो वहीं कई राज्यों में इस मूवी को टैक्स भी किया गया है। इस मूवी का जो विवाद है वो थमने का नाम तक नहीं ले रहा बल्कि लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इसी कड़ी में प्राइम टीवी की टीम ने लखनऊ की महिलाओं का इस मूवी पर क्या कुछ कहना है ये भी जानने का प्रयास किया। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। द केरला स्टोरी, जी हाँ, कहा जा रहा है कि केरल के ये सच्ची घटनाओं पर आधारित है ये मूवी, और इसमें साफ तौर पर कहा जा रहा है कि 32,000 महिलाओं का धर्मांतरण किया गया और उन्हें SIS बनाया गया। वही आपको बता दें कि जब से इस मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ तब से लेकर अब जब ये मूवी रिलीज हुआ सिनेमाघर में उस दिन से लेकर अभी तक ये मूवी विवादों में घिरी हुई है। साथ ही अब बता दें आपको कि ये राजनीतिक मुद्दा भी बन गया है। अब कहते हैं कि कई ऐसे राज्यों में इसे बैन भी किया गया, तो वही कई राज्यों में इस पे टैक्स फ्री भी किया गया। आपको बता दें इस पे कई ऐसे तमाम जो विपक्ष नेता है उस पे अपनी प्रतिक्रियाएं दी। वही आपको बता दें खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस पे बात कही। तो ऐसे तमाम जो नेता से लेकर विपक्ष से लेकर वहीं आम जनता भी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं इस मूवी पे दे रही है। तो इस वक्त हम मौजूद है राजधानी लखनऊ के यहाँ पे भूतनाथ मार्केट में और जानते हैं यहाँ की जनता से, यहाँ के महिलाओं से कि आखिर उसको इस द केरला स्टोरी मूवी पर अपनी क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं और क्या कहना है उनको। हम द केरला स्टोरी आप देखने गई होंगी मूवी, और ये जब से रिलीज हुआ तभी से विवादों में घिर गया। आपका क्या कहना, आप गई थी देखने, क्या कहना है? हम तो कह रहे हैं कि सारी लेडीजों को देखना चाहिए, लड़कियों को, सबको देखना चाहिए, बहुत अच्छी मूवी है। अच्छा, क्या आपको मैम देखने से क्या उसमें देखने को मिला, क्या कह सकती है उसके बारे में? ये देखने को मिला कि लड़कियों को बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है और उनको आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए, यही सब देखे। केरला स्टोरी जब से रिलीज हुआ है तब से लेकर अभी तक ये विवादों में घिरी हुई है। यहाँ तक कई राज्यों में इसे बैन कर दिया, कई राज्यों में टैक्स फ्री कर दिया, यहाँ तक उत्तर प्रदेश में भी कर दिया गया है। तो आपका क्या कहना है, किस तरह से ये आप मूवी देखने के, क्या आपको लगा देखते हैं? मूवी देखना चाहिए, ज़रूर देखना चाहिए। बहुत अच्छा मैसेज है लड़कियों के लिए स्पेशली कि हमें कैसे अपने को बचाना चाहिए। लड़कियां आजकल छोटी उम्र से ही बाहर चली जाती हैं, हॉस्टल्स में रहती हैं, तो कोई उन्हें बहला ना ले, अपने को स्ट्रांग बनाना चाहिए, अपनी संस्कृति को पहचानना चाहिए, अपनी संस्कृति को जानना चाहिए, किसी दूसरे के बहकावे में नहीं आना चाहिए, ये मेरा मानना है। अभी मैंने वैसे मूवी देखी नहीं है पर जो लोगों से सुना है, ट्रेलर्स देखे हैं, टीजर देखे हैं, लोगों से सुना है, तो मुझे तो यही कहना है इस बारे में। चलिए शुक्रिया। आप क्या कहना चाहिए, आप एक युवा हैं देश की, तो आपने मूवी देखने आप गई होंगी, क्या आपको देख के लगा, क्योंकि आप खुद एक लड़की, लड़कियों पर एक बनी हुई है कहानी, किस तरह से आपको लगा? मुझे लगा कि मतलब जितने भी कॉलेज गोइंग गर्ल्स है या अभी टीनेज में एंटर की हैं, 9th, 10th, 11th, 12th की जो लड़कियाँ हैं, उनके लिए एक बहुत ही अच्छी मतलब फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है उनके लिए, क्योंकि हमको पता है कि जब हम स्कूल से निकलते हैं तो एक अलग लाइफस्टाइल हमें देखने को, आपको अलग मैसेज मिल रहा है, आपको एक अच्छी, आप ये समझ पा रहे हो कि अगर हम बाहर जाएं तो अपने आप को सतर्क रखें। जी जी, हाँ सतर्क रहें हम, हमें और ये चीज़ें देखने को मिल गई है, मतलब लाइक हाँ रिलेट कर सकते हैं हम अपनी लाइफ से इसको। बहुत ऐसे लोग आते हैं लाइफ में जो बहकाने की कोशिश करते हैं आपको, आपको मतलब जिस तरीके से उसमें दिखाया गया ऐसा ही रियल लाइफ में होता है हमारे साथ। तो आपको क्या लग रहा है ऐसी मूवी और भी बननी चाहिए, जो चीज़ें हमें नहीं दिखाई देती है वो चीज़ें बिल्कुल बननी चाहिए, बिल्कुल बननी चाहिए। तो जो चीज़ें हमें छिपाया जा रहा है मूवी के थ्रू हमें दिखाया जाए जी, तभी पता लगा, वरना हम लोग को इतना डिटेल पता नहीं था। अवेयरनेस तो उसी से आती है, इसलिए ऐसी मूवीज जरूर बननी चाहिए जो हमारे बच्चों के हित में हो। मैम आप क्या कहना चाहेंगे, तो आप हमें बताइए कि और क्या चीज़ें ऐसे आपको दिखने को मिली, किस तरह करनी चाहिए यार इसे, मतलब बेकार में ही लोग इसको कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छी मूवी है, सपोर्ट करनी चाहिए, फीमेल्स को देखनी चाहिए मूवी, यूथ को देखनी चाहिए मूवी, सभी को देखनी चाहिए, पेरेंट्स को भी देखनी चाहिए कि वो कैसे गाइड करें अपने बच्चों को आगे के लिए, जो अपने को वो डिफेंड कर सके। एकदम अलग एनवायरनमेंट में जाते हैं, घर में प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रहते हैं, बाहर जाते हैं सब अलग अलग धर्म के, अलग मजहब के, अलग तरह के, हर तरह से फ़र्क होते हैं लोगों के बीच में, उन्हें रहना होता है, अपने को संभालना होता है, तो ये पेरेंट्स के लिए भी बहुत अच्छी है। बिल्कुल सही कहा।
जो ब्रेन वॉश का जो चीज दिखाया गया ना इसमें, ये बहुत अच्छी है। आपको लगता है कि आजकल जैसे हम लोग लड़कियों का कोई ब्रेन वॉश कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। क्यों ऐसा लग रहा है आपको? क्योंकि हम दुनिया भी देखे नहीं होते हैं ना, जस्ट लाइक अभी जैसे मैं हॉस्टल से निकल के आई, क्लास 12th के हॉस्टल में पढ़ाई करी, बचपन से हॉस्टल में रही, सोसाइटी का कुछ पता नहीं है क्या चल रहा है बाहर में। लेकिन आप ये सब जैसे मूवी सीरीज ऐसे आप देखती होंगी तो उसमें आपको देखने को मिलता होगा कि तमाम ऐसे चीज़ें देखने को मिलती है, तो क्या आप उससे अवेयर नहीं होती हैं? अवेयर तो होते हैं, लेकिन ये खास है, मतलब ये लड़कियों के लिए बहुत ही स्पेशल मूवी है, लड़कियों को देखनी चाहिए, सबको देखनी चाहिए, कॉन्ट्रोवर्शियल ना बना करके इसे कुछ सीखना चाहिए। आप एक युवा हैं और आप भी बाहर रह रही होंगी, आप भी उस मूवी में द केरला स्टोरी मूवी में दिखाया गया है कि दो सीईओ की उनके ब्रेन वॉश करती हैं, उन्हें धर्मांतर किया जाता है, दूसरे देशों में आईएएस बनाया जाता है, आप क्या कहना चाहेंगी? ट्रेलर देखी होंगी, क्या कहना है? ट्रेलर देखा है मैंने, मैं मूवी देखने के लिए अभी प्लान कर रही हूँ, फिलहाल अभी मैंने मूवी नहीं देखी है। ब्रेन वॉश की बात अगर की जाए तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, जैसे मेरा तो कोई ब्रेन वॉश नहीं कर सकता, मैं इस पर बिलीव करती हूँ। बाकी पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है, अगर फ्रेंड सर्कल की बात की जाए तो फ्रेंड सर्कल में ये चीज़ पॉसिबल होती है, क्योंकि जो है जो यूथ होता है अगर सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करता है किसी पे तो वो फ्रेंड्स पे ही करता है, पेरेंट्स से ज़्यादा ट्रस्ट फ्रेंड्स पे होता है, तो इसमें पॉसिबिलिटी है कि ब्रेन वॉश इसमें हो सकता है। तो आपको क्या लग रहा है कि ऐसी मूवी बननी चाहिए हमारे देश में कि जैसे लड़कियां जो है अवेयर, क्योंकि लड़कियों पे ही ज़्यादा बिल्कुल बननी चाहिए, बिल्कुल बननी चाहिए, क्योंकि जो लड़कियां मेंटली या इमोशनली, मेंटली मैं नहीं कह सकती, इमोशनली जो थोड़ा वीक होती हैं या जिनका फंडामेंटल्स क्लियर्स नहीं होते हैं अपने जो है धर्म को लेकर, अपने जो है संस्कृति को लेकर, उनको इस बारे में थोड़ा सा अप्रोच करने की ज़रूरत है। आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे? आप भी ट्रेलर देखी होंगी, आप प्लान कर रहे हो आप लोग की जाके मूवी देखेंगे, तो क्या आप लोग को लगा कि हाँ हम लोग को जाके मूवी देखना चाहिए, किस चीज़ से अवेयर होना चाह रही हैं? हाँ बिल्कुल लगा देखना चाहिए, क्योंकि कुछ लड़कियां हैं जिनको अपने कल्चर के बारे में अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं, उन्हें पूरी तरह से नॉलेज नहीं होता अपने धर्म के बारे में, तो हम सुनी सुनाई चीज़ें जानते हैं, तो इससे ये होगा कि जानेंगे तो वो एक्चुअल फैक्ट पता तो चलेगा हमें। नहीं लगता कि ये सब चीज़ें हमारे पेरेंट्स को बताना चाहिए हमारे धर्म के बारे में, तो जिसे हाँ बिल्कुल बताना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। मुझे लगता है कि हर धर्म में जैसे हम लोग हैं तो हम लोग को बचपन से ये माता पिता को सिखाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए कि हमारी हमारे कल्चर में क्या है, हमारे वेद, हमारे जो भी सब कुछ है वो सबका नॉलेज होना चाहिए, ताकि कोई बाहर वाला आके हमें ये ना बता पाए कि आपके धर्म में क्या है। तो क्या इस मूवी को राजनीतिक मुद्दा से जोड़ा जाए, क्या आपको किस हद तक सही? राजनीतिक मुद्दा से मेरा कोई नहीं है, मैं स्टूडेंट हूँ। तो क्या आपको लगता है मूवी को जोड़ना चाहिए था राजनीतिक मुद्दे से? ये नहीं नहीं बिल्कुल नहीं जोड़ना चाहिए, एक तो एक ये रियल स्टोरी पे है, हाँ सोशल अवेयरनेस है जिसमें लड़कियों को भी, अब मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ कि अगर मुझे ये मूवी नहीं, मैं इस मूवी को देख के मुझे काफ़ी कुछ नॉलेज होगा, अगर मैं ये मूवी नहीं देखती तो मैं बहुत सारी चीज़ों से अवेयर नहीं होती। हाँ तो ये ऐसी मूवी आनी चाहिए, हाँ बिल्कुल आनी चाहिए, इससे अवेयरनेस होगी, और अच्छा है ट्रेलर देखा है मुझे बहुत अच्छा लगा। तो द केरला स्टोरी को लेकर लगातार प्रदेश ही नहीं तमाम कई राज्यों में विवाद गहराता हुआ नजर आ रहा है। ट्रेलर के रिलीज होने से लेकर के मूवी के सिनेमा घरों तक जितने भी पहुंचने का दौर था वो लगातार कहीं ना कहीं अब जारी है, क्योंकि लगातार जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं अब ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इस मूवी को देखना चाहिए, कहीं ना कहीं ये समाज को जागरूक करने का एक अच्छा प्रयास किया जा रहा है। तो वहीं लोगों ने साफ तौर पर ये कहा कि जो फिल्में हैं वो आईना होती हैं, समाज की सच्चाई होती है जिसको लोगों के सामने दिखाने का प्रयास किया जाता है। फिलहाल द केरला स्टोरी पर जो समाज है वो अभी भी कहीं ना कहीं दो गुटों में बटा हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल ये हम अपने दर्शकों पर छोड़ते हैं कि इस मूवी को लेकर उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, ये तो वो खुद ही थिएटर्स पहुंचे और लगातार इस मूवी को देखे। हमारे इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए बस इतना ही, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरो